कल तक हम लोग 19 सूत्र तक आए और गुणों के चार अवस्थाएं कौन सी है वहां तक हम लोग पहुंचे थे। 20th सूत्र दृष्टा दृष्टादृशि मात्र शुद्धो प्रत्यया प्रत्ययानुपश्यः। दृशि मात्र चेतन पात्र ज्ञान स्वरूप आत्मा, दृष्टा दृष्टा, शुद्ध शुद्ध अपि अयद्यपि स्वभाव से सर्वथा शुद्ध ऐसा निर्विकार है। प्रत्ययानुपश्यः बुद्धि के संबंध से बुद्धि वृत्ति के अनुरूप देखने वाला। अनुवाद, चेतन मात्र आत्मा दृष्टा यद्यपि स्वभाव से सर्वथा शुद्ध निर्विकार है तो भी बुद्धि वृत्ति के अनुरूप देखने वाला है। अच्छा, पहले बताया गया है कि प्रकृति और पुरुष यानी आत्मा के संयोग से ही सृष्टि है। इसमें प्रकृति के कार्य गुण तथा स्वभाव को पहले बताया गया है। यह दृश्य जगत तथा इसके सूक्ष्म कारण भूत तत्व सब प्रकृति ही हैं। इसलिए इस प्रकृति को दृश्य कहा गया है। जब दृश्य है तो दृष्टा भी होना ही चाहिए। इस सूत्र में इस दृष्टा की व्याख्या की गई है कि यह प्रकृति जड़ है, इसलिए यह स्वयं नहीं देख सकती। वह चेतन मात्र ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है वही दृष्टा है। यह आत्मा सर्वथा शुद्ध निराकार असंग कूटस्थ यानी स्थिर आदि अनेक विशेषताओं वाली है, किंतु वह न करता है न भोक्ता। वह सृष्टि का उपादान कारण भी नहीं है किंतु निमित्त कारण है। उसकी उपस्थिति मात्र अनिवार्य है। अन्य सभी कार्य प्रकृति का ही है। यह आत्मा केवल दृष्टा है किंतु इसका संबंध प्रकृति के साथ हो जाने से वह बुद्धि यानी चित्त की वृत्तियों के अनुरूप देखता है। इसका यह संबंध अविद्या के कारण है जो अनादि कहा जाता है। थोड़ी हेवी है लैंग्वेज। ट्वेंटी फर्स्ट सूत्र तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा। दृश्यस्य उक्त यानी कि दृश्य का आत्मा स्वरूप तदर्थ एव उस दृष्टा के लिए ही है। उक्त दृष्ट का स्वरूप उस दृष्टा आत्मा के लिए ही है। व्याख्या, दृश्य यानी प्रकृति का यह स्वरूप उस दृष्टा यानी आत्मा के लिए ही है क्योंकि देखने वाला वही है। यह उस दृष्टा को अपने दर्शन द्वारा भोग प्रदान करने के लिए तथा उसे निज स्वरूप का दर्शन कराकर अपवर्ग यानी मुक्ति प्रदान करने के लिए ही है। ये दोनों कार्य वह अविद्या तथा विद्या के द्वारा करती है। अविद्या तथा विद्या के द्वारा करती है। विद्या के द्वारा यही करती इसका है। प्रयोजन है। हम लोगों को शायद इसका फिर से अभ्यास करना पड़ेगा। ये भाषा थोड़ी सी हेवी है। 22वां सूत्र आज हम लोगों को 30 तक करना है ना? जी 30 तक। रीड इट इज वेरी स्मॉल, यू कैन रीड इट अगेन। क्योंकि सब लोगों को शायद समझ में मीना प्लीज गिव फीडबैक इन बिटवीन इफ इट इज गोइंग हेवी और एनी क्वेश्चन जस्ट गिव फीडबैक इन बिटवीन। अभी आई थिंक अभी सोनल जी आप भी वी आर ऑन द सेकेंड सूत्र। आई थिंक एज वी गो फॉरवर्ड वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड।
नो द थिंग इज इफ देर आर एनी पार्ट्स व्हिच आर डिफिकल्ट बिकॉज़ कहीं कहीं पे लैंग्वेज बहुत कठिन है तो अगर कुछ ऐसा है कि हमें समझ में ना आए तो हम दोबारा पढ़ देंगे ओके क्योंकि हम लोगों को भी दोबारा पढ़ के ही वो समझने वाला है सर मैडम के इतना या हम लोग भी वहां तक हम लोग पहुंचे नहीं है ना सारे जन हम लोग तो नेचुरली हम फिर से दोहराना पड़ेगा तो दो बार एखादी चीज नहीं समझ में आएगी तो दो बार पढ़ेंगे फिर भी अपने आत्म ज्ञान लेने के लिए तो फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी अपने अपनी बहुत कुछ कुछ लैंग्वेज बीच में बहुत फिलोसॉफिकल है वो हैवी है वो शायद अपने को समझ में भी नहीं आ रही है मतलब दृश्य प्रकृति फिर से एक बार पढ़ो तो व्याख्या फिर आगे के सूत्र पे जाते हैं दृश्य यानी प्रकृति का यह स्वरूप उस दृष्टा यानी आत्मा के लिए ही है क्योंकि देखने वाला वही है यह उस दृष्टा को अपने दर्शन द्वारा भोग प्रदान करने के लिए तथा उसे निज स्वरूप का दर्शन कराकर अपवर्ग यानी मुक्ति प्रदान करने के लिए ही है ये दोनों कार्य वह अविद्या तथा विद्या के द्वारा करती है यही इसका प्रयोजन है सूत्र ये थोड़ी बीच में चार जो सूत्र है ना 20, 21, 22, 23 ये थोड़ी कठिन है मतलब हेवी है वो लैंग्वेज ऐसे नहीं कि कठिन है लेकिन वो हेवी है लैंग्वेज उसमें मुरना मतलब एकदम आत्मसात करके आचरण करना बहुत कठिन है आज के आजीवन के लिए अपने लिए शायद उसी की वजह से समझ में नहीं आ रहा है तुरंत कृतार्थ प्रतिनष्टम कृतार्थ प्रतिनष्टम अप्यनष्ट नष्ट तदन्य साधारणत्वात् कृतार्थम प्रति जिसका भोग और अपवर्ग रूप कार्य पूर्ण कर दिया उस पुरुष के लिए नष्टम नाश को प्राप्त हुई अपि भी वह प्रकृति अनष्टम नष्ट नहीं होती तत् अन्य साधारणत्व क्योंकि दूसरों के लिए भी वह समान है अनुवाद सिद्ध पुरुष के लिए यह दृश्य नष्ट होता हुआ भी अन्य साधारणों के लिए वह नष्ट नहीं हुआ है व्याख्या यही प्रकृति किसी साधक को सिद्धावस्था से पहुंचने पर उसको दृष्टा का ज्ञान कराकर मुक्ति प्रदान करती है इसके बाद उसका कोई कार्य शेष नहीं रह जाता जिससे वह प्रभावहीन हो जाती है किंतु उसका सर्वथा अभाव नहीं होता क्योंकि इसे अनादि माना गया है उसका कार्य अन्य साधारणों के लिए उसी प्रकार चलता रहता है क्योंकि कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता केवल साधक ही इससे मुक्त होता है अन्य व्यक्तियों पर यह प्रभाव दिखाती ही रहती है ये हम लोग बोल रहे हैं बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स नहीं आ रहे हैं ज्वाइन नहीं हो रहे कल मुझे पता चला कि बहुत जन ने मैसेज पढ़ा ही नहीं है अभी भरत भाई दिलीप भाई कल मैं ऐसे बात कर रही थी उनके साथ तो वो बोले कभी मैसेज आया हम लोग ने तो देखा भी नहीं है नहीं, बट रोज तो ग्रुप यूट्यूब एग्जैक्टली हफ्ते में दो बार मैसेज डाल रहे हैं अनाउंसमेंट दिलीप जी हैड कम ऑन द फर्स्ट डे इफ आई रिमेम्बर है ना या मुझे भी ऐसे ही लग रहा था कि दिलीप जी तो आए हैं तो भरत के साथ कल बात कर रही थी तो भरत को किरण भी आपके साथ लेवल टू में है तो मैं बोली उसको तो सूत्र अच्छे पढ़ेंगे पढ़ाई के लिए तो मालूम ही नहीं है इसीलिए मैंने आपको पहले दिन मैसेज भेजा था प्रतिभा को भी कि लेवल टू के ग्रुप में भी आप सेपरेटली ये मैसेज डालो तो शायद पढ़ाई के लिए पीपल मिस आउट नथिंग एल्स और लॉकडाउन से हम लोग हर चीज देख रहे हैं ना कंटिन्यूअस बम्बार्डिंग फेसबुक व्हाट्सएप
Zoom meetings or not only our institute, everywhere. अचानक घर में रहने लगे लोग तो सारे सवेरे उठने के बाद से घर के कामों में कैसे टाइम मिल रहा है मालूम नहीं, लेकिन एवरीबडी ऑन दिस लाइव चैट एंड वॉच पार्टी एंड एवरीवेयर. तो मे बी मिस आउट पीपल. तो वैशाली भी रोज पूछ रही है मुझे कि चालू है ना, आज है ना, आज है ना. तो हालांकि 4-5 रोज है, सब लोगों को मैं बता रही हूँ जूम पे. तो 22वां सूत्र पे हम लोग, 22वां सूत्र अभी हम लोग ने पढ़ लिया और 23वां सूत्र फिर से बहुत सारे जॉइंट वर्ड्स. स्वस्वामिशक्यो स्वरूपो स्वस्वामिशक्यो स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगः. स्वस्वामिशक्यो स्वशक्ति प्रकृति और स्वामी शक्ति पुरुष, इन दोनों के स्वरूपोपलब्धि हेतु, स्वरूप की प्राप्ति का जो कारण है वह संयोग है. अनुवाद: स्वशक्ति प्रकृति और स्वामी शक्ति पुरुष के स्वरूप की प्राप्ति के लिए इन दोनों का संयोग हुआ है. अभी इन दोनों का मतलब दृष्टा और दृष्टु, वो पहले वाला सूत्र थोड़ा सा लिंक लग गए. इस दृश्य यानी प्रकृति का स्वरूप दृष्टा के लिए ही है, क्योंकि दृष्टा इस प्रकृति के माध्यम से ही देखता है. बिना प्रकृति के वह दृष्टा यानी आत्मा अकेला कुछ नहीं कर सकता. जिस प्रकार एक अच्छा वैज्ञानिक प्रयोगशाला के बिना तथा एक अच्छा कारीगर औजारों के बिना कार्य नहीं कर सकता, उसकी प्रतिभा को प्रकट करने के लिए साधनों की आवश्यकता होती है. उसी प्रकार उस चैतन्य आत्मा ने अपने स्वरूप को पूर्ण रूपेण प्रकट करने के लिए इस प्रकृति को स्वेच्छा से स्वीकार किया. जिस प्रकार वंश वृद्धि के लिए स्त्री को पत्नी रूप में स्वेच्छा से स्वीकार किया जाता है, क्योंकि उसके बिना वंश वृद्धि नहीं हो सकती, ठीक इसी प्रकार इस चैतन्य ने अपने संकल्प एकोहम बहुस्याम को पूरा करने के लिए इसे स्वीकार किया, किंतु इसके विभिन्न कृत्यों तथा लावण्यमय स्वरूप से प्रभावित होकर वह निज स्वरूप को भूल गया तथा इस प्रकृति के स्वरूप को ही अपना स्वरूप समझने लग गया. इसका मुख्य कारण अविद्या अथवा अज्ञान है. यह प्रकृति स्वशक्ति है तथा वह पुरुष चेतन स्वामी शक्ति है, अर्थात वह चेतन यानी आत्मा ही स्वामी है तथा यह प्रकृति स्व अर्थात उसका अधिकृत पदार्थ है. प्रकृति का कार्य मनुष्य के लिए नाना प्रकार के भोगों को प्रदान करना तथा उसे उस दृष्टा यानी आत्मा का स्वरूप दिखाना है. इसी के लिए इसका संयोग हुआ है. दृष्टा के स्वरूप के बाद यह संयोग समाप्त हो जाता है. आत्मा का ज्ञान प्रकृति के माध्यम से ही संभव है तथा भोग भी इसी से होता है. दृष्टा दृष्टु दृश्य प्रकृति पुरुष यिन यांग, ये सारे पॉजिटिव नेगेटिव, ये दोनों सारी शक्तियां हर वक्त जरूरी है, उसके बिना कुछ होएगा ही नहीं. ऐसे लगातार अलग अलग सूत्रों में अलग अलग भाषा में दिया हुआ है. आगे का सूत्र हेतु के लिए है. हम लोग हेय इतने दिन से हेयम दुख अनागतम से 23वें श्लोक तक 23वें सूत्र तक हेयम का देख रहे थे सारी चीजें. हेयम इज आइडेंटिफिकेशन और रिकॉग्निशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिम्टम. हेल्थ थेरेपी में ये है या हेतु हानम उपाय, ये चारों पिलर माने जाते हैं. वैसे ही ये फिलोसॉफिकल में भी मेंटल हेल्थ या स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए हेयम हेतुम हानम और उपाय, ये चारों प्रकार है. तो हेयम इज रिकॉग्निशन ऑफ सिम्टम. द
तो क्या यहाँ पे वो इसका स्पिरिचुअल अर्थ लेना है, बाद में हेतु का है कि अंडरस्टैंडिंग दैट कॉज ऑफ सिम्टम, आपको सूत्र में वो अलग स्पिरिचुअल भाषा में वो उसका पता चलता है, हेतु यानी कि कारण, कॉज, अंडरस्टैंडिंग द कॉज, आगे का सूत्र तस्य हेतुर्विद्या, तस्य उस संयोग का हेतु यानी कि कारण, विद्या हेतु, हेतुर वो जोड़ाक्षर है, अविद्या अविद्या है, उस संयोग का कारण अविद्या है, कौन से संयोग का, दृष्टा दृश्य, और ये मतलब उसके पहले वाला जो सूत्र है 23वां, दोनों का संयोग है, दोनों का संयोग है, कौन सा, स्वशक्ति और स्वामी शक्ति, तो उसका संयोग का कारण ही अविद्या है। हम लोगों को आत्मा की तरफ जाना है, हम लोगों को दृष्टा की तरफ जाना है ना, विशेष पुरुष और विशेष की तरफ जाना है। व्याख्या, व्याख्या, इस सूत्र में इस संयोग का कारण बताया गया है कि उस चेतन पुरुष का जो स्वयं निर्विकार असंग है, संयोग इस प्रकृति से क्यों हुआ? यह संयोग वास्तव में भौतिक संयोग नहीं है, बल्कि अविद्या से इसका संयोग मान लिया गया है। विद्या तथा अविद्या इस प्रकृति का गुण है। अविद्या के कारण वह वासनाग्रस्त होकर संसार के भोगों को भोगती है, तथा विद्या के कारण वह इनसे विरुद्ध होकर आत्मज्ञान कराती है। चेतन और जड़ का संयोग इस अविद्या के कारण ही प्रतीत होता है। इसी अज्ञान का निवारण समाधि की स्थिति में होता है, जब दोनों की भिन्न प्रतीति होती है, जिससे योगी प्रकृति के संयोग की इस भ्रांति को छोड़ देता है, तथा वह अपना निज स्वरूप आत्मा को, जो दृष्टा है, प्राप्त कर लेता है। अविद्या का नाश आत्मज्ञान के बिना नहीं होता। चेतन आत्मा का ज्ञान भी प्रकृति के माध्यम से ही होता है, जिसे विद्या कहते हैं। अविद्या के कारण ही पुरुष यानी आत्मा एवं जड़ प्रकृति संयुक्त ज्ञात होते हैं, किंतु दोनों दो भिन्न शक्तियां हैं, जिनका कार्य भी भिन्न भिन्न है। विद्या के द्वारा योगी को यह स्पष्ट हो जाता है कि यह समस्त सृष्टि प्रकृति की ही रचना है, तथा मनुष्य वह जड़ प्रकृति नहीं, बल्कि वह चेतन तत्व है। इसी से उसकी समस्त भ्रांतियां मिटकर वह सत्य ज्ञान को उपलब्ध होता है, सृष्टि की वास्तविकता को जान लेता है। प्रकृति एवं पुरुष की भिन्नता का बोध हो जाना ही मुक्ति का हेतु है। डायरेक्टली आई एम शिफ्टिंग टू अनदर सूत्र। ओके, बोलो योगिता। नहीं, आखिरी लाइन पूरा कवर कर देती है, जो आखिरी पूरी पंक्ति है, प्रकृति एवं पुरुष की भिन्नता का बोध हो जाना ही मुक्ति का हेतु है। भाई मनन करने वाला सूत्र है, मतलब मनन करना पड़ रहा है उसका, है ना, मनन मालूम है ना, मनन इज इंटरनल रिसाइटेशन। या यानी कि फिर संसार में ये ऐसे, मैं जब भी पहले भी पढ़ाई ग्रुप में जब भी कर रही थी, फिर संसार सब मतलब ऐसे अलग लगने लगता है, तो इसीलिए पहले जमाने के योगी सारे ये सब इसमें झंझट में पढ़ते नहीं थे, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोगों को संसार में रह के विरक्ति लेनी है। अभी अभी उल्टा होता है, हम फिलोसफी झाड़ते अपने पेरेंट्स को तो उनको हैरानी होती है, इसको क्या हो गया। सच में अभी तो इसकी शादी 5-10 साल पहले करके दिया, और अचानक ये इसको ये क्या क्या आने लगा है, ऐसा लगता है।
इसीलिए संसार में रह के विरक्ति, इसका मतलब है अरबी के पत्ते के ऊपर जो पानी रहता है उसको कैसे, जब तक पानी है मोती के जैसा दिखता है, उसको भी मालूम नहीं मैं कौन से पत्ते पे हूँ। पानी निकल जाने के बाद अरबी के पत्ते को भी मालूम नहीं रहता है, इतना अपना तेल लगाया घी लगाया जैसा, मतलब कुछ भी चिपका के नहीं लेना है, बस विरक्ति, न्यूट्रल माइंड। कल तक हम लोग जो बात कर रहे थे, कंटिन्यूस आसक्ति नहीं और न्यूट्रल माइंड में रहना है। इच्छा है लेकिन मिटानी नहीं है कौन सी भी इच्छा है, मिटानी नहीं है लेकिन आसक्ति रखनी नहीं, दोनों का अर्थ समझ लो, मतलब त्यागना नहीं है कुछ भी, हर चीज उपभोग, उपभोग कहाँ तक, जरूरत तक, जहां पे मुझे जरूरत है वहां तक। हठयोग प्रदीपिका का मिताहार का लेक्चर के समय मैं मुझे वही दोहराना पड़ता है लगातार कि कुछ भी त्यागना नहीं है लेकिन शरीर मेरा न्यूट्रिशन में आ जाए उतना उपभोग लेना है, वैसा ही है बाकी के सुखों का। प्रकृति हर चीज आपको एक्टिवेशन देती है लेकिन फिर से पुरुष की याद दिलाती है कि अपने को मोक्ष की तरफ जाना है, मतलब क्या है अभी, क्या आपको लगातार प्रकृति चेंजिंग में लेती जाती है ना। इसीलिए हम लोगों को स्पिरिचुअल इसमें बताया गया है, वो रेस्ट इन पीस जो बोला जाता है वो मृत्यु के बाद हम लोग आर आई पी लिखते हैं। हालांकि मोक्ष के, मोक्ष मिलना मतलब वो आत्मा को सदगति मिलना चाहिए एक्चुअली, रेस्ट इन पीस मतलब उसी जगह पे वो आत्मा रह जाएगा तो वो सदगति मिलेगी नहीं, मतलब उसको, तो ईश्वर उस आत्मा को सद्गति दे या मोक्ष मिले, मतलब उसको दूसरा जो उसका पाथ है वो मिल जाए वो आत्मा को, ऐसे हम लोगों को प्रेयर करनी है। रेस्ट इन पीस मतलब वो आत्मा उधर ही रह जाएगा, फिर उसकी निगेटिविटी है तो उधर ही मिले रह जाएगी। तो आरआईपी लिखते समय आरआईपी कहाँ पे लिखना है, निर्जीव वस्तुओं को आरआईपी लिख, ऐसे एक जगह पे हम लोग ने वो कुछ व्याख्यान में पढ़ा, सुना था, पढ़ा था। संयोगा भावो हानं तदृशे कैवल्यम्, तद्भावात् उस अविद्या के अभाव से, संयोगा भावः संयोग, संयोग का अभाव हो जाता है यही हानं, हान पुनर्जन्मादि भावी दुखों का, हानम का मतलब योग थेरेपी में आप लोग योग, हम लोग योग टीचर है, योग शिक्षक है तो योग थेरेपी भी करेंगे, तो हेयम इज अ रिकॉग्निशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिम्टम, हेतु यानी कि अंडरस्टैंडिंग द कॉज ऑफ दैट सिम्टम, एंड हानम इज अ डिटरमाइनिंग द प्रायोरिटीज फॉर व्हाट टू डू ऑन दैट सिम्टम। ये जो हानम अभी आया है, हानम तद्रुशे कैवल्यम, हानम पुनर्जन्मादि भावी दुखों का अत्यंत अभाव है, और तत् वही दृश्य चेतन आत्मा का कैवल्यम, कैवल्य है, इस अविद्या के अभाव में संयोग का अभाव हो जाता है, जिसे हान यानी कि पुनर्जन्म आदि भावी दुखों का अंत कहते हैं, यही चेतन आत्मा का कैवल्य है। व्याख्या पढ़ो। पुरुष यानी आत्मा
तथा प्रकृति का जो संयोग अविद्या के कारण हुआ था, आत्मज्ञान से उसका अभाव हो जाता है। साधक स्वयं देख लेता है कि यह प्रकृति उस चैतन्य से भिन्न है। इस प्रकार के ज्ञान से प्रकृति के इस संयोग का अभाव हो जाता है, जिससे पुनर्जन्म आदि भावी दुखों का अंत हो जाता है। यही उस चैतन्य आत्मा का कैवल्य है। इस स्थिति में आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है। सृष्टि का उपादान कारण प्रकृति है तथा पुरुष उसका निमित्त कारण है। जिस प्रकार स्वर्ण में तांबे की मिलावट होने पर वह तांबा भी स्वर्ण जैसा प्रतीत होता है, किंतु उसका शोधन कर तांबे को अलग करके शुद्ध स्वर्ण प्राप्त किया जाता है, उसी प्रकार योगी योग साधना द्वारा प्रकृति का उस चेतन के साथ अविद्या के कारण जो संयोग हो गया है, उसे अलग करके पुनः अपने वास्तविक रूप आत्मा को प्राप्त कर लेता है। यही उसकी कैवल्य अथवा मोक्ष की स्थिति है। इसके बाद ही पुनर्जन्म आदि दुखों का अंत होता है। जब तक उस चैतन्य आत्मा के साथ प्रकृति के थोड़े से भी अंश का संयोग रहता है, तब तक कैवल्य की प्राप्ति नहीं तथा उसके दुखों का अंत भी नहीं होता। इस संयोग को दूर करने के लिए उसकी कारण रूपा अविद्या को ही दूर करना एकमात्र उपाय है। Just now I said ना, RIP नहीं लिखना है, मुक्ति, ये मैंने आगे का पढ़ा नहीं था, but the connectivity of that what I said कि वो सद्गति मिले, मतलब आगे का पाथ के लिए जो सद्गति है, जिसमें पुनर्जन्म नहीं, आत्मा एक ही जगह पे अटक पड़ेगा तो वही फिर से दुखों में, वही फिर से पुनर्जन्म, और जहां जहां उसके कर्म बचे हैं वहां पे उसका जन्म हो जाएगा, वहां पे उसकी कनेक्टिविटी आ जाएगी, वो आत्मा की जो कर्म बचे हैं। अगर उसके कर्म सचेतन के साथ आत्मा के साथ हो गए हैं और अविद्या से हुई प्रकृति में जो उसकी मन अटक गया है, वो अगर अविद्या दूर कर दे तो वो आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी, यानी कि सद्गति मिल जाएगी। मोक्ष कैवल्य वो कैवल्य है। और लास्ट का देखो, चार मैंने बताए, हे य हे तु हान महान उपाय, हान उपाय, उपाय के पहला योगिक थेरेपी का ये क्वेश्चन भी आता है और ये अर्थ भी चारों के साथ में लिए जाते हैं कभी भी। हेयम इज रिकॉग्निशन ऑफ सिम्टम, कौन से भी बीमारी के लिए भी और स्पिरिचुअल वे में भी, मतलब हम लोगों को रीजन उसका, ये पहले तकलीफ हुई क्यों है स्पिरिचुअल में भी और मेंटल में भी, उसका कॉज कहाँ है, अंडरस्टैंडिंग द कॉज इज हानम। हेय हेतु, हेतु इज अंडरस्टैंडिंग द कॉज ऑफ दैट, एंड देन हानम इज गिविंग द प्रायोरिटी टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, सॉल्व दैट कॉज, उसके ऊपर उपाय, फिर उपाय का अलग अलग आगे के दो सूत्र उपाय के लिए है। विवेक ख्यातिर विप्लवा हानोपाय, अविप्लवा निश्चल और निर्दोष, विवेक ख्याति विवेक ज्ञान, हानोपाय उक्त हान का उपाय, हान का उपाय मतलब हान क्या था, ऊपर दिया था हान मतलब कॉज कारण, उसके ऊपर उपाय, हान का उपाय निश्चल और निर्दोष विवेक ज्ञान हान का उपाय है। व्याख्या, इस अविद्या के कारण पुरुष यानी आत्मा तथा प्रकृति मिले हुए ज्ञात होते हैं। प्रकृति मन बुद्धि इंद्रियां शरीर अहंकार आदि के द्वारा अपना कर्म करती है, जिससे संसार में पुनर्जन्म आदि दुख होते हैं, किंतु समाधि की स्थिति में जब इनके यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो ज्ञात होता है कि आत्मा इससे सर्वथा भिन्न एवं असंग है। इस प्रकार आत्मा और प्रकृति की भिन्नता का ज्ञान हो जाने को ही यथार्थ ज्ञान
अथवा विवेक ज्ञान कहते हैं। समाधि की स्थिरता से यह विवेक ज्ञान निश्चल और दोष रहित हो जाता है, इसमें किसी प्रकार का भी मल नहीं रहता। इसी से अविद्या आदि क्लेश दूर होते हैं, जो समस्त दुखों का बीज है। इसके अभाव से समस्त कर्म संस्कारों का अभाव हो जाता है तथा चित्त अपने कारण में विलीन हो जाता है, जिससे प्रकृति का समस्त व्यापार बंद हो जाता है। यही जीव की परम उपलब्धि है। दुखों की निवृत्ति का उपाय कर्म नहीं है, बल्कि वह विवेक ज्ञान है, जो आत्मज्ञान के बाद ही प्राप्त होता है। सत्यासत्य का निर्णय इसी ज्ञान से होता है। इसी ज्ञान को प्राप्त करके योगी असत्य प्रकृति का त्याग करके सत्य स्वरूप आत्मा को अपना स्वरूप मान लेता है। वह असत्य का त्याग कर देता है। इसी से वह कैवल्यावस्था को प्राप्त होता है। विवेक जागृत होने पर योगी को दुख, दुख का हेतु, मोक्ष, मोक्ष का हेतु, बुद्धि की कृतार्थता, बुद्धि लय तथा अपुनरूपतपति का संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। अपुनरुत्पत्ति का संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। यस, रीजेनरेशन। अपुनरुत्पत्ति का संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। यही विवेक ख्याति है। यही दुख नाश का उपाय है। और अल्टीमेट सात्वी बुद्धि तथा प्रज्ञा, विवेक ख्याति यानी कि बुद्धि, पुरुष का सातवां प्रकार जो है, सबसे ऊंची अवस्था वो है प्रज्ञा। उसके लिए अगला सूत्र, तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा। तस्य उस विवेक ज्ञान प्राप्त पुरुष की सप्तधा सात प्रकार की प्रांत भूमि अंतिम स्थिति वाली प्रज्ञा बुद्धि होती है। इस पुरुष की सात प्रकार की सबसे ऊंची अवस्था वाली बुद्धि होती है। व्याख्या, जिस व्यक्ति को विवेक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसकी बुद्धि सात प्रकार के चिन्हों वाली होती है, जो सबसे अच्छी ऊंची अवस्था वाली है। इस अवस्था में उसके चित्त पर जो अविद्या जनित आवरण था, वह नष्ट हो जाता है तथा चित्त अपने कारण में विलीन हो जाता है। इसी को परमानंद की स्थिति कहते हैं। यही परम पद है तथा इसी को सत्य को उपलब्ध होना कहते हैं। यही योग है। इस ज्ञान में वह सात प्रकार का अनुभव करता है, जो जीव की सबसे ऊंची अवस्था है। एक, जो कुछ जानना चाहता था जान लिया, अब जानने को कुछ शेष नहीं रहा। यह त्रिगुणात्मक प्रकृति ही सर्व दुखों का कारण है। इसका स्वरूप अनित्य तथा परिणामी है। इसका ज्ञान हो गया। दूसरा, अविद्या के कारण प्रकृति का आत्मा के साथ जो संयोग हो गया था, उस प्रकृति का पुनः अभाव हो गया, जिससे दुखों के कारण का अंत हो गया, जिससे पुनर्जन्म आदि दुखों का भी अंत हो गया। तीसरा, प्रकृति का अभाव हो जाने से जो कुछ प्राप्त करना था कर लिया, अर्थात अपने आत्म स्वरूप में स्थिति हो जाने ही उपलब्धि थी, तो हो गई। अब कुछ पाने को शेष नहीं रहा। अंतिम स्थिति कैवल्य की उपलब्धि हो गई। चौथा, जो कुछ करना था कर लिया। इन दुखों के अंत का उपाय जो विवेक ज्ञान है, उसे सिद्ध कर लिया। अब कुछ करना शेष नहीं रहा। पांचवा, चित्त यानी प्रकृति का कार्य था भोग और मुक्ति देना, वह पूरा हो गया। अब इसका कोई प्रयोजन शेष नहीं रहा। बंधन और मुक्ति दोनों छूट गए। छठा, अब यह चित्त
अपने स्वरूप को छोड़कर अपने कारण रूप गुणों में विलीन हो रहा है, क्योंकि उसका भोग और मुक्ति के दोनों कार्य पूर्ण हो चुके हैं, अब उसका कोई कार्य शेष नहीं रहा। सातवां, यह पुरुष यानी आत्म तत्व तीनों गुणों से मुक्त होकर अपनी निर्गुण, निराकार, असंग एवं कूटस्थ अवस्था में अर्थात अपने ही स्वरूप में अचल भाव से स्थिर हो गया। इन सातों प्रकार के चिन्हों में प्रथम चार को कार्य विमुक्ति प्रज्ञा तथा शेष तीन को चित्त विमुक्ति प्रज्ञा कहते हैं। प्रथम चार अवस्थाओं में चित्त के कार्यों के छूटने का विवेक ज्ञान होता है तथा अंतिम तीन में चित्त का जो त्रिगुणात्मक रूप का अस्तित्व है उसके भी छूटने का ज्ञान हो जाता है। ऐसा योगी जीवन मुक्त कहलाता है। चित्त जब अपने कारण में विलीन हो जाता है तो उसे विदेह मुक्त कहते हैं। मिनल, टाइम इज देयर? अभी चल रहा है। आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी मैसेज। आई थिंक वी कैन कंटिन्यू। 28, 29 और 30, ये तीनों जो है 28वें सूत्र में अष्टांग योग का वर्णन चालू हो जाता है और वो अष्टांग योग योगांगुष्ठानादादशुचित क्षये ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याते योगांगानुष्ठान योग के अंग का अनुष्ठान करने से अशुद्धि क्षय अशुद्धि का नाश होने पर ज्ञान दीप्ति ज्ञान का प्रकाश अविवेक ख्याते विवेक ख्याति पर्यंत होता है। योग के योग के अंगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धि का क्षय होकर विवेक ख्याति पर्यंत ज्ञान का प्रकाश होता है। व्याख्या इस सूत्र में विवेक ज्ञान की प्राप्ति का उपाय बतलाया गया है कि योग के 8 अंग हैं, जिसे अष्टांग योग कहते हैं। उनका अनुष्ठान करने से जितनी प्रकृति स्वरूप अशुद्धियों का संयोग उस आत्मा के साथ अविद्या के कारण हो गया था उनका नाश होकर विवेक ख्याति पर्यंत ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। उस स्थिति में वह अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, जो मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि समस्त प्रकृति जन्य जड़ तत्वों से भिन्न है। अष्टांग योग के साधन से ज्यों-ज्यों ज्ञान बढ़ता जाता है त्यों-त्यों अज्ञान छूटता जाता है। अंत में केवल वह सत्य ज्ञान ही शेष रह जाता है। इन साधनों से चित्त शुद्ध हो जाता है तथा शुद्ध चित्त होने पर ही विवेक ज्ञान होता है। इफेक्ट ऑफ अष्टांग योग इज विवेक ख्याते। इफेक्ट ऑफ क्रिया योग इज एलिमिनेशन ऑफ क्लेश। ये पेयर्स आप लोग विचार मतलब अभ्यास करते समय विचार करो। अभी अष्टांग योग कौन से है उसका सूत्र 29। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानी। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि ये 8 योग के अंग है।
व्याख्या। ऊपर के सूत्र में बताया गया है कि योग के अंगों का अनुष्ठान करने से चित्त का समस्त मल दूर होकर साधक को विवेक ख्याति पर्यंत ज्ञान होता है। इस सूत्र में योग के 8 अंग बताए गए हैं, जिनके क्रमिक अनुष्ठान से ही अविद्या जनित चित्त के भी सभी दोष मल दूर होकर चित्त निर्मल होता है। यह चित्त एक दर्पण के समान है, जिसके स्वच्छ होने पर ही आत्मा का बिंब साफ दिखाई देता है, किंतु इस चित्त पर विकारों की धूली जम गई है, जिसे पोंछे बिना आत्मदर्शन नहीं होता। अथवा यूं कहा जा सकता है कि चित्त में वासना के कारण वृत्तियों की तरंगे निरंतर उठ रही हैं, जिनके शांत हुए बिना आत्मा का बिंब नहीं दिखाई देता। इस धूली को साफ करने के लिए चित्त के सभी अंगों को स्वच्छ करना है। इन्हें स्वच्छ करने के लिए ही योग के ये 8 अंग हैं, जिनका अनुष्ठान करना आवश्यक है। ये अंग हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन्हें क्रम से साधने पर चित्त भी शुद्ध हो जाता है तथा प्रत्येक के साथ उपलब्धि होती जाती है। यम के सामने से बाह्य आचरण संबंधी सुधार होता है, नियमों से भीतर का सुधार होता है, आसनों से शरीर की शुद्धि होती है, प्राणायाम से श्वास की शुद्धि होती है, प्रत्याहार से इंद्रियां शुद्ध होती है, धारणा से मन शुद्ध होता है, ध्यान से अस्मिता में सुधार होता है तथा समाधि में बुद्धि चित्त का सुधार होता है। इन सब की शुद्धि से चित्त निर्मल होकर सत्य स्वरूप आत्मा का ज्ञान होता है। ये 8 सीढ़ियां हैं, जिन पर चलकर ही योग लाभ प्राप्त होता है। दुनिया में जितने भी योग मार्ग हैं, वे सब इन्हीं के अंतर्गत आ जाते हैं। इनका आगे विस्तार से वर्णन किया गया है। और आज का लास्ट सूत्र 5 यम। यम का वर्णन चालू हो जा रहा है। अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्या, परिग्रहा, यमाहा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी कि चोरी का अभाव, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह संग्रह का अभाव, ये 5 यम है। व्याख्या। योग के 8 अंगों में पहला यम है, जो बाह्य आचरण संबंधी सुधार करता है। व्यक्ति का आचरण शुद्ध होने पर उसका मन शुद्ध हो जाता है तथा अच्छे संस्कार बनते हैं। अपनी मर्यादा में रहने से दूसरों के द्वारा की गई प्रतिक्रिया से वह बच जाता है। ये यम 5 हैं। अहिंसा, अहिंसा का बड़ा व्यापक अर्थ है। किसी को नहीं मारना ही अहिंसा नहीं है, बल्कि मन, वचन एवं शरीर से किसी भी प्राणी को कभी किसी प्रकार किंचित मात्रा भी दुख न पहुंचाना अहिंसा है। दूसरा, सत्य। इंद्रिय और मन से जैसा दुख सुना या अनुभव किया गया है, उसे वैसा ही कहना सत्य कहलाता है। ऐसा सत्य प्रिय तथा हितकर भी होना चाहिए। अप्रिय तथा अहितकर सत्य हो तो भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इससे दूसरों को दुख होता है, जो हिंसा है। कपट और छल रहित व्यवहार ही सत्य व्यवहार है। तीसरा, अस्तेय। अस्तेय का अर्थ है चोरी करना, छल से, धोखे से, झूठ बोलकर, बेईमानी से किसी भी प्रकार दूसरे के स्वत्व का अपहरण करना चोरी है। जिस पर स्वयं का न्यायोचित अधिकार नहीं है, उसे लेना भी चोरी है। घूस लेना, सरकारी धन की चोरी करना, टैक्स की चोरी करना, झूठे बिल बनाकर सरकारी धन को
नाजायज तरीके से प्राप्त करना आदि भी चोरी है। इस प्रकार के धन को न प्राप्त करना ही अस्तेय है, यह भी आचरण शुद्धि है। चौथा, ब्रह्मचर्य। मन, वाणी तथा शरीर से मैथुन का परित्याग कर वीर्य रक्षा करना ही ब्रह्मचर्य है। साधक का परित्याग कर वीर्य रक्षा करना ही ब्रह्मचर्य है। साधक को इन सब से बचना चाहिए। योग साधना में इसका विशेष महत्व है। यही ऊर्जा योग उपलब्धि में सहायक होती है। पांचवा, अपरिग्रह। योगी को सात्विक जीवन व्यतीत करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक धन एवं सामग्री का परिग्रह करने से मन कई प्रकार की उलझनों में पड़ जाता है, जिससे वह स्थिर नहीं रह सकता। स्थिर हुए बिना योग साधना संभव नहीं है। इन आचरणों को पालन से ही बाह्य शुद्धि होती है, जिससे साधना में सहायता मिलती है। आज तीस तक है कि आगे भी है? आज तीस तक, 22-30 जी करना है आगे कि खत्म हो गया टाइम? आज मीटिंग चल रही है, सरप्राइजिंगली इट्स 51 मिनट्स एंड द मीटिंग डिड नॉट एंड। यू आर रिकॉर्डिंग ना? आई एम रिकॉर्डिंग। वी वांट टू एंड और एक सूत्र हम लोग ले ले क्या? तो आगे का जो 31st सूत्र है दैट इज कनेक्टेड टू यम एंड देन 32nd सूत्र से नियम चालू होते हैं। तो अभी हम लोग ने अगर यम पढ़ा है तो यम का आगे का सूत्र कर लेते हैं। yes. एते जाति देश काल समया समया नविच्छिन्नः सार्वभौमा महाव्रतम्। जाति देश काल समयान वच्छिन्ना, जाति देश काल और निमित्त की सीमा से रहित सार्वभौम होने पर महाव्रत हो जाता है। उक्त यम जब किसी जाति विशेष, स्थान विशेष, समय विशेष तथा निमित्त विशेष की सीमा से बंधे होते हैं तो इन्हें व्रत कहते हैं। जिसे मछली के अलावा अन्य जीवों की हिंसा नहीं करना चाहिए। तीर्थों में हिंसा नहीं करना, अमावस्या तथा पूर्णिमा को हिंसा नहीं करना, नवरात्रि के अलावा हिंसा नहीं करना आदि। इस प्रकार सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह के भी सामान्य व्रत लिए जाते हैं। इनसे भी चित्त शुद्धि होती है तथा मन को केंद्रित करने में सहायता मिलती है। किंतु जब इन्हें सार्वभौम बना दिया जाता है कि किसी भी जाति की किसी भी समय किसी भी स्थान पर तथा किसी के भी निमित्त हिंसा नहीं करूंगा, ना असत्य बोलूंगा, ना परिग्रह करूंगा, ना ब्रह्मचर्य भंग करूंगा, तो ये ही महाव्रत कहलाते हैं। इनका जीवन में पूर्ण परित्याग करना ही महाव्रत है। इनके पालन से मन का भटकाव कम होकर चित्त स्थिर होने लगता है तथा धीरे धीरे वह वश में हो जाता है। यह बड़ी उपलब्धि है। मन को जब बाह्य आचरण से रोक दिया जाता है तो थोड़े समय वह भीतर ही भीतर घुटता रहता है, किंतु अंत में शांत हो जाता है। इससे संकल्प सिद्धि भी होती है, जिससे आत्मा आत्मबल बढ़ता है। विवेक ख्याति के लिए वे उपयोगी सिद्ध होते हैं। बढ़िया। ब्रह्मचर्य इज नॉट ओनली कंट्रोल ऑफ सेक्स, ब्रह्मचर्य इज कंट्रोल ऑन ऑल इंद्रिय, ऑल ज्ञानेन्द्रिय, ऑल कर्मेन्द्रिय, दैट वी हैव लर्न इन अन्नमलाई कोर्स ऑल्सो। एवरी टाइम ब्रह्मचर्य का नॉर्मल लेमैन को जो मीनिंग समझ में आता है वो दैट इज कंट्रोल ऑन योर सेक्स, बट कंट्रोल ऑन इंद्रिय एक्चुअली, ये ध्यान में रखो। मतलब ज्यादा समय हम लोग कुछ भी सुनते रहते हैं, वो भी
मतलब वो करना नहीं है, इंद्रियों को तकलीफ ही नहीं देना है ज्यादा समय कुछ भी। देखो कभी कभी तंद्री में या कभी फ्रस्ट्रेशन में अल्टीमेटली इट इज कनेक्टेड टू हेल्थ। तो फ्रस्ट्रेशन में है, डिप्रेशन में है, टेंशन में है, टीवी देखते रहना, ज्यादा समय टीवी देखते रहना बिना वजह के ज्यादा, मतलब हर चीज भले वो अच्छी है या बुरी है, गाने सुनते हैं हम लोग तो कितना सुनना, मतलब हर चीज को एक कंट्रोल और संयम, रेगुलेशन, नियमन होना चाहिए, ऐसे वर्णन किया गया है। ब्रह्मचर्य इज कंट्रोल ऑन ऑल इंद्रिय सेंसरी ऑर्गन्स रादर। तो कुछ भी मतलब ज्यादा समय खाते रहना, ज्यादा समय सुनते रहना, ज्यादा समय देखते रहना, ऑल दीज आर ऑल्सो इट हैज टू गेट रेगुलेटेड। कंट्रोल इज अ संयम, रेगुलेशन इज अ नियमन। तो हम लोगों को रेगुलेट करना है उसको, कंट्रोल मतलब फिर वो त्यागने की भावना आ जाती है, फिर सैक्रिफाइस की भावना आ जाती है। वी आर नॉट सैक्रिफाइसिंग, वी आर ट्राइंग टू बिकम कंटेंटेड, राइट? कंक्लूड करें।